नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं और सेफ होंगे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। वेलकम टू द राहुल वर्मा ऑडियो शो। मैं हूं आप लोग का होस्ट राहुल और लेकर आया हूं एक ऑल न्यू वीडियो सेशन अबाउट दी एनी गेसेस अबाउट दी मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट ऑफ टूडेज टाइम। और इस गाड़ी की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। इस गाड़ी के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उस पर भी एक छोटा सा झलक आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन अब इस गाड़ी को कम्प्लीटली अनवील कर दिया गया है और इसके लॉन्च को ऑलमोस्ट अ वीक हो चुका है। आज ही के दिन एक हफ्ता जो कम्प्लीट हो चुका है, तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी का एक ओवरऑल रिव्यू दूंगा अलॉन्ग विथ इट्स कंपेरिजन विद द ह्यूंडई अल्कज़ार, टाटा सफारी, एम जी एक्टर प्लस एंड द फोर एंड फॉरमोस्ट जीप कॉम्पस। जी हाँ, जीप कंपस से भी इसका कहीं ना कहीं मुकाबला ज़रूर होता है। तो ये वो गाड़ी है जो कि अभी एक ब्रांड कंटिन्यू हो रही है महिंद्रा के SUV पोर्टफोलियो में। पहले आई XUV500, फिर आई XUV300, अब आ रही है दी ऑल न्यू XUV700 इन द महिंद्रा फ्लैगशिप SUV पोर्टफोलियो। तो ये रही गाड़ी की कोई इमेजेस। और अब मैं आज इस गाड़ी को एक डिटेल तरीके से रिव्यू करके बताऊंगा कि क्या ये आप लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज है या नहीं। और जिस सेगमेंट में ये आती है वो है द फुल साइज SUV सेगमेंट। और किन किन गाड़ियों को ये तबाह करेगी या उनके करियर को ख़त्म करने वाली है तो मैं बता दूं, ये गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट, हालांकि सोच नहीं रहोगे ना प्रीमियम हैचबैक भी कहीं ना कहीं इसके आड़े आएगी, लेकिन प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट भी आएगी, मिड साइज क्रॉसओवर SUV सेगमेंट एंड द फुल साइज SUV सेगमेंट, जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में जो गाड़ी आती है जैसे कि MG ग्लॉस्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर एंड द इसुज़ू MUX, तो वहाँ पे ये गाड़ी उन सारों को भी टक्कर देती हुई नजर आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं हूँ आप लोगों का होस्ट राहुल और आज इन डेप्थ फैक्ट्स एंड डाउट्स को क्लियर करेंगे कम्प्लीटली इन दिस वीडियो सेशन। तो ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। नए व्यूवर्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट आता रहूँगा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप जब भी कोई मेरी वीडियो देखना चाहे तो वो वीडियो सीधा आप लोगों के स्मार्टफोन पे तुरंत ही नोटिफिकेशन दिखा दे। तो चलिए फटाफट से ज्वाइन करिए राहुल वर्मा ऑटो शो के इस ऑल न्यू वीडियो सेशन में, और मेरे चैनल को भी लाइक करिए, चैनल पर आने वाली वीडियोज़ को पसंद करिए, साथ ही अपना सपोर्ट दीजिए और जहाँ हो सके शेयर कर दीजिए ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। XUV700 के बारे में मैं क्या कहूँ, इट्स एन ऑल न्यू SUV। XUV500 के कुछ डिज़ाइन बिट्स आपको इनहेरिटेड दिखाई देंगे विजुअली, और इंटीरियर में जो मेजर चेंज है उससे देखने को लग रहा है कि महिंद्रा ने काफ़ी लोगों का फीडबैक लेकर एक नई गाड़ी को तैयार किया है अपने प्रोडक्शन यूनिट में। और इस गाड़ी को महिंद्रा बेचेगी एज देयर फ्लैगशिप SUV इन देयर SUV पोर्टफोलियो रेंज। और जैसे कि आप लोगों ने देखा अल्टीरस G4 की सक्सेस तो कभी हो ही नहीं सकी इन SUV सेगमेंट, हालांकि उसको इतना प्रीमियम बनाया था, इतने फीचर्स डाले थे, लेकिन नॉट वर्क फॉर द महिंद्रा एंड महिंद्रा। बट उस गाड़ी को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब उसकी जगह XUV700 ने ले ली है। तो इस गाड़ी की अगर मैं बोलूँ एज एन ओवरऑल रिव्यू, तो ये गाड़ी लुक्स में बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने बोला XUV500 का ही जो है DNA इसमें देखने को मिलेगा, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो, रियर में हो, लुक्स एकदम सेम है, लेकिन जो मेजर चेंज है वो है इंटीरियर में एंड फीचर्स एज वेल। इस गाड़ी में एक ऐसी अतरंगी चीज़ है जो कि है इसका बूट, जो बूट गेट है वो मतलब टेल गेट है वो फाइबर प्लस मेटल का बना हुआ है, जिससे कि ओवरऑल बल्क आपका गाड़ी के जो ओवरऑल बॉडी बल्क है वो कम हो सके और गाड़ी का जो बूट है वो लाइट वेट हो सके। हालांकि ये एक अजीब सा मूव लिया महिंद्रा ने उनके डिज़ाइन ने, एक्चुअली प्रताप बोस अब नए डिज़ाइन हेड है एट द महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। तो क्या सोच के उन्होंने ये गाड़ी को थोड़ा सा डिज़ाइन किया या बिल्ड किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मे भी शायद ये गाड़ी की ये जो एक स्पेसिफिकेशन है ये शायद वर्क करे आगे जाके एज देयर सेफ्टी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक इस गाड़ी के कुछ क्रैश टेस्ट रेटिंग्स नहीं आ जाते आगे चलकर फ्यूचर में, नियर अबाउट फ्यूचर में कभी आएंगे तब पा सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में आपको
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेट्रोल एंड डीजल इंजन स्टार्टिंग से ही मिल जाते हैं, जहाँ पे कॉम्पैक्ट एसयूवीज, मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवीज के बेस वेरिएंट शुरू होते हैं, और वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड बोरिंग से पेट्रोल इंजन के साथ, डीजल इंजन के साथ। वहीं पे आपको एसयूवी 7 डबल ऑफर कर रही है दो मॉडल्स के अंदर, जैसे कि MX सीरीज एंड द AX सीरीज। आपको MX सीरीज से ही पेट्रोल इंजन मिलता है 200 ब्रेक हॉर्स पावर का। अब वो पेट्रोल इंजन कंटिन्यू करता है फॉर द MX फॉर द AX सीरीज, मतलब टॉप मॉडल तक वही पेट्रोल इंजन चलेगा, लेकिन जो MX सीरीज में डीजल आता है वो 155 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता है, बजाय इसके जो AX सीरीज में डीजल आता है वो 185 BHP जनरेट करता है। और टॉर्क जो है पेट्रोल वाले का वो कहीं ना कहीं 420 न्यूटन मीटर्स है विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक के साथ 450 न्यूटन मीटर्स। कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर को देखते भी टक्कर में, फॉर्च्यूनर के टक्कर को ध्यान रखते हुए इस गाड़ी को भी बनाया गया है, अगर मैं साफ साफ तौर पर बोलूँ तो। तो ये गाड़ी फीचर लोडेड है, इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, इतने ज़बरदस्त इंजन मिलते हैं आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और क्या चाहिए आप लोगों को, एक अच्छा स्पेशियस कैबिन मिलता है, प्रीमियम लग्जरियस इंटीरियर, फिट फिनिश बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रफ एजेस देखने को मिलेगा, लेकिन वो हर गाड़ी के साथ है। देखिए, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो सफारी हो, अल्कज़ार हो, हेक्टर प्लस हो, जीप कंपस हो, फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो, ग्लॉस्टर हो, MUX हो, या फिर आपकी XUV 700 ही क्यों ना हो, सारी गाड़ियों में कहीं ना कहीं एक थोड़े बहुत कमियां रह जाती है। अगर आप कमियां ढूंढने निकालें तो मर्सिडीज एंड BMW में भी कमियां निकल जाएगी, ऐसा नहीं है, सब में निकल जाएगी, लेकिन जो गाड़ी जिस रेंज में आ रही है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 12 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली की प्राइस, अमेजिंग प्राइस टैग, क्योंकि जिस रेंज में आपको कॉम्पैक्ट SUVs का सेकेंड टॉप मॉडल मिलता है और या टॉप मॉडल मिलता है, वहाँ पर ये गाड़ी आपको एक फुल साइज़ SUV, वहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा स्पेशली एक फुल साइज़ SUV आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो i20 है ना प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में, उसका जो टॉप मॉडल है एस्टा ऑप्शनल ऑटोमेटिक के साथ, वो कहीं ना कहीं 14 लाख रुपये ऑन रोड पड़ता है। कैन यू इमेजिन, 12 लाख रुपये में SUV मिल रही है और 14 लाख में i20, वॉट इज़ दिस गोइंग ऑन। क्योंकि ये इतना महंगा कर रखा है हैचबैक का प्राइस कि आपको XUV भी अगर आप देखोगे ना, वो कहेगा यार मेरे को शर्म आ चुकी है, तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा प्राइसिंग कैसे कर रखी, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो Hyundai वालों, इतनी ज़्यादा प्राइसिंग तो और किसी कंपनी ने भी रखी नहीं है। सबकी जो हैचबैक की प्राइसिंग है वो 10 लाख से अंदर ही है। तुमने तो भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, SUVs के सेगमेंट में लेके जाना चाहते हो प्रीमियम हैचबैक को भी। तो उस नज़रिए से मुझे नहीं लगता इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, इस वजह से उसकी सेल्स भी इतनी ज़्यादा अच्छे नहीं है। सोचा तो Hyundai ने बहुत कुछ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खैर, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज मैं बात करूँगा। देखिए, रिव्यू रिपोर्ट तो मैंने दे दी है, गाड़ी बहुत अच्छी है। अब जब इस गाड़ी को लोगों ने चलाया है तो इस गाड़ी की सस्पेंशन एंड राइड क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, और आपको हाई स्पीड हो या स्लो स्पीड हो, सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया मिलेगा। क्योंकि एक तो पेट्रोल और डीजल इंजन के परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे हो चुके, उस हिसाब से अगर देखें तो इनके सस्पेंशन को भी इम्प्रूव ज़रूर करना था। और महिंद्रा ने जो फीडबैक्स है कस्टमर से लेकर, इस गाड़ी में आप लोग को जो प्रॉब्लम पहले आती थी वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर दी गई है काफ़ी हद तक, और लगे नहीं कि आप लोगों ने कहीं भी पैसा वेस्ट किए। ये एक जेन्युइन और प्रीमियम प्रोडक्ट वाकई में है, साफ तौर पर। अब मैं अगर कंपेयर करता हूँ इस गाड़ी को, मतलब XUV 700 को, विद द लाइक्स ऑफ Hyundai Alcazar, टाटा सफारी, MG Hector Plus एंड द जीप कॉम्पस, तो उन सारी गाड़ियों का पत्ता भी साफ होने वाला है, अलॉन्ग विद Hyundai Creta एंड Kia Seltos, उन सबको भी ये गाड़ी बिल्कुल उनके सेल्स को ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकती है, अगर अपने बोलते ना ओवरऑल रिलायबिलिटी को ये गाड़ी प्रूव कर दे इन 5 to 6 months, अगर कोई कस्टमर इस गाड़ी को परचेज करता है तो। अगर अपने रिलायबिलिटी के ऊपर ये गाड़ी खड़ी उतर गई, देन इस गाड़ी की सेल्स को कोई रोक नहीं सकता, बाकी सारी गाड़ियाँ जाए तेल लेने, लोग जाएंगे इसी गाड़ी की तरफ स्ट्रेट अवे टू द महिंद्रा डीलरशिप एंड इस गाड़ी को बुक करा के फटाफट से अपने घर पे लेके आएंगे। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर बोलूँ ना XUV 700 का, तो वो है टाटा सफारी। खुद देखिए स्क्रीन पर देखिए आप दोनों, क्या बुच डिज़ाइन है दोनों गाड़ियों का, दोनों इंडियन कार मेकर्स
लेकिन दोनों के डिज़ाइन और जो इंजन परफॉर्मेंस है एंड राइड क्वालिटी है एंड जो प्रीमियमनेस है बहुत अलग अलग टेस्ट के हिसाब से बनाए गए हैं। कुछ लोगों को पसंद आएंगी सफारी, कुछ लोग आज भी कहेंगे XUV 700 का वेट कर दिया, कुछ नया प्रोडक्ट है उसको ट्राई करेंगे। देखिए हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कमियाँ निकलती है और प्रॉब्लम्स आते हैं, और अभी मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग गाड़ी एकदम जाके ले। जो जो गाड़ियाँ ले रहे हैं उनको पहले देखिए, तकरीबन 5 से 7 महीनों का एक फीडबैक लीजिए, एक्सपीरियंस उनसे लीजिए, उसके बाद आप गाड़ी परचेज करने के लिए आगे फर्दर मूव ऑन करें। तो एकदम जो लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हर गाड़ी में आता है। जब हैरियर लॉन्च हुई थी कितने सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी ने उसको जैसे जैसे अपडेट किया गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स थे वो नेग्लिजिबल हो चुके हैं। अब देखिए कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे टाटा महिंद्रा, इनकी गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहता है। हुंडई के ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट है लोगों का, तो वो गाड़ियाँ एज इट इज़ बनाती है तो आँख बंद करके आप ले लेते हैं। तो इन जो गाड़ी इन कंपनियों की जो गाड़ियाँ से टाटा एंड महिंद्रा, इनके ऊपर थोड़ा भरोसा बनाना शुरू करिए। और लेकिन टाइम तो देखिए हर गाड़ी को देना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ी है, थोड़ी सी भी गड़बड़ गई हुई अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में तो पूरे गाड़ी में वो इफेक्ट करती है। इस वजह से अगर उस गाड़ी को ठीक नहीं कर सकते कस्टमर्स के कहने पर, जो सर्विस सेंटर का काम होता है, अगर वो ठीक ना करें तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और वहीं पे आपकी मेन जो क्वेश्चन मार्क लग जाती है, रिलायबिलिटी कहाँ है भाई, टाटा महिंद्रा में कहाँ है रिलायबिलिटी। आज भी जो आफ्टर सेल सर्विस है टाटा की स्पेशली काफ़ी ख़राब है, महिंद्रा की उससे फिर भी अच्छी है, लेकिन टाटा की अभी तक सुधर नहीं सकी है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ सावधानी से लीजिए गाड़ी, और पहले एक्सपीरियंस लीजिए लोगों से, उसके बाद डिसाइड करिए कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। खैर वो एक चीज़ थी। देखिए XUV 700 और टाटा सफारी दोनों काफ़ी बल्की एंड बुच SUVs के सेगमेंट में आ जाती है। अल्कज़ार और हेक्टर प्लस SUV कहीं से भी लगती नहीं, वो जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ द हेक्टर एंड द क्रेटा, दैट्स ऑल। चारों गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक आपको देखने को मिलेगा, आपको सफारी में भी आयरा कनेक्टिविटी मिलती है, सब कुछ मिलता है चारों गाड़ियों, मतलब हेक्टर प्लस, जीप कंपास, आपको अल्कज़ार, सफारी, XUV 700, ये पांचों को अगर मैं एक लाइन में खड़ा कर दूँ ना, सब में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, ABCVD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ESP विद ट्रैक्शन मोड्स, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, 6 and 7 seater ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको गाड़ियों में कहीं भी कॉस्ट कटिंग तो नज़र नहीं आएगी, कहीं कहीं जगह रफ पैचेस है लेकिन वो नेग्लिजिबल है अगर आप गाड़ी के ओवरऑल प्रीमियमनेस को देखते हैं तो। अब जिसका जैसा टेस्ट है वो उसी गाड़ी की तरफ जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो है सफारी, जीप कंपास एंड XUV 700। अल्कज़ार लेने से अच्छा है कि मैं क्रेटा पे जाऊँ या फिर उससे कोई दूसरी गाड़ी पे जाऊँ। और अगर मैं बोलूँ हेक्टर प्लस के बारे में, तो हेक्टर ज़्यादा सुइटेबल SUV लगती है, SUV तो खैर कहीं नहीं लगती, MPV लगती है, लेकिन हेक्टर ज़्यादा एक बोलते ना सेंसिबल प्रोडक्ट लगता है मेरे हिसाब से। हेक्टर प्लस नॉट सो सेंसिबल और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हेक्टर ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को उस मामले में। तो यहाँ पे मैं बोलूँ प्राइसिंग भी बहुत अलग है, लेकिन प्राइसिंग के मामले में यहाँ Hyundai थोड़ी कम है, 21 लाख तक उसका टॉप मॉडल मिल जाते हैं अल्कज़ार का। हेक्टर प्लस का भी सेम है, 21-22 लाख टॉप मॉडल तक चले जाते हैं। और XUV और सफारी थोड़ी महंगी इस वजह से क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के स्पेस और बोलते ना ओवरऑल फीचर्स थोड़े ज़्यादा है कुछ स्मॉल स्मॉल बिट्स में, और XUV तो उल्टा ज़्यादा महंगा होगी क्योंकि उसमें जो ऑप्शनल मॉडल आता है वो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है, जो कि इन सारी गाड़ियों से बेहद एक सेगमेंट ऊपर के लेवल की गाड़ियों को मैच करती है। जी हाँ, ये कैपेबल होगी विद द 4x4 ऑप्शन। और अगर मैं बोलूँ XUV के साथ अगर कड़ा कंपटीशन दे तो वो सफारी है, बीइंग अ 4x2 SUV वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, प्रॉपर नहीं कर पाएगी लेकिन काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस वो शो ज़रूर करेगी, कि चीज़ें हम हैरियर में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग वाइज अरेंज करूँ एज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शनल पैकेज तौर पर इन सारे SUVs को, तो मेरे हिसाब से टाटा सफारी विल बी एट नंबर 1, एट नंबर 2 इट विल बी द XUV 700, एट नंबर 3 विल बी द Hyundai अल्कज़ार, एट नंबर 4 द MG Hector Plus, एंड एट नंबर 5 द जीप कंपास। जीप कंपास का भी अभी एक 7 seater वेरियंट आएगा, देखते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन जीप की सेल्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर मैं इन सारी गाड़ियों की तुलना में देखूँ तो।
हालांकि वो महंगी भी है, एक्सयूवी से करीबन 7-8 लाख रुपए महंगी पड़ती है, तो 7-8 लाख या 5 लाख रुपए महंगी पड़ती है एक्सयूवी के जो टॉप मॉडल 25 तक आता है, तो वो 30 तक जाती है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। और 5 सीटर होने के साथ साथ 30 लाख रुपये देना एक सेंसिबल डिसीजन नहीं बनता, तो उस वजह से उस गाड़ी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हालांकि गाड़ियाँ सारी बहुत ज़बरदस्त हैं, चाहे वो बिल्ड में हो चाहे वो परफॉर्मेंस में हो। देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप बात करें, देखिए अभी तो मैंने बोला वैल्यू फॉर मनी, परफॉर्मेंस के मामले में सफारी, XUV 700, जीप कॉम्पस, इन सारी गाड़ियों में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। हेक्टर प्लस एंड अल्काज़ार में थोड़ी परफॉर्मेंस की कमी नज़र आती है बिकॉज ऑफ दैट ओवर लेडन बॉडी वेट, तो इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए लास्ट में बताता हुआ जाऊँगा कि आज के कंपैरिजन का विनर कौन है और XUV का ओवरऑल रिव्यू मेरे ओपिनियन में क्या होना चाहिए, एक रेटिंग में क्या देना चाहूँगा। देखिए आज के इस कंपैरिजन का विनर कोई नहीं है, इट्स अ टाई बिटवीन टाटा सफारी एंड XUV 700। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दो इंडियन ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अनबायस्ड होकर ये डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन कंपनीज लेके आ रही है, अगर ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमारे जो बाहरी देशों के कंपनीज हैं टोयोटा फोर्ड अगर ये सब काम वो भी करने लगे, दैन हमें भी उन पर थोड़ा एक और हमारा जो ट्रस्ट है वो थोड़ा और बिल्ड होगा उन कंपनीज़ के तरफ। तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये काफ़ी अच्छा बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन और इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि टाटा एंड महिंद्रा अब काफ़ी इवॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही बाकी कंपनीज को भी इवॉल्व करना चाहिए एज़ पर देयर बिल्ड परफॉर्मेंस फीचर्स और इन सब चीज़ों को, कंफर्ट सेफ्टी कन्वीनियंस की जो चीज़ें वो ज़्यादा देनी होगी अपने कस्टमर्स को। तो कंपैरिजन तो यही था, टाई है XUV 700 एंड सफारी के बीच में। अगर मैं रेटिंग दूँ XUV 700 को तो वो रहेगी समवेयर अराउंड 4 out of 5। अब वो एक पॉइंट मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं 5 out of 5 भी दे सकता था, लेकिन मैंने 4 इसलिए दिया क्योंकि इस गाड़ी में 6 सीटर नहीं आता और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे काम की नहीं लगी। फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे इसका जो बोलते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर वो खास पसंद नहीं आई, ये मैं अलग से बनाऊंगा प्रोज एंड कॉन्स के सेशन में, इसका अलग से एक पार्ट बनाते हैं। और अगर आपको ऐसा पार्ट ऐसे वीडियो का एक नया पार्ट चाहिए प्रोज एंड कॉन्स का XUV 700 का तो कमेंट में जाके बताइएगा ज़रूर, मैं फटाफट आप लोगों के लिए वो वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो भी बताऊंगा। बस आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो को ख़त्म करने का, ताकि आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में जल्दी मिल सकूं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ, इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भूलिएगा मत, और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर क्योंकि नए नए वीडियोज़ की अपडेट मैं देता रहूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ध्यान रखें, जय हिंद, शब्बा खैर, मिलेंगे बहुत जल्द।